विश्व सखा फाउंडेशन तथा ए टू जेड प्रहरी की ओर से दिल्ली के अंबेडकर भवन में आयोजित एक नेशनल अवार्ड कार्यक्रम में भारत देश के विभिन्न राज्यों से आए समाज सेवियों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद डॉक्टर सुनील गायकवाड, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भारत सरकार में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र सिंह, लेखक एवं विचारक डॉक्टर रोहिदास स्वामी वाघमारे, फिल्म डायरेक्टर राजीव मेनन, कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर वीना त्यागराज, सह आयोजक राजश्री चौधरी सहित कई नामचीन हस्तियां आमंत्रित थी। इस मौके पर बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने बाबा साहब आपके जीवन पर प्रकाश भी डाला और उसके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिया और पूरे महाराष्ट्र में विदर्भ में जो पीड़ित किसान जो है उनका मोटिवेशन करना, उनको मोटिवेशन देके आज उनको पॉजिटिविटी निर्माण करना, ये कार्य मेरी संस्था के माध्यम से आज कर रही हूँ। आपके सभी के हाथों से ये कार्य मेरा आगे जाए, इसके लिए मुझे आशीष तो चाहिए, क्योंकि एक आदमी आज समाज सेवा करे तो पूरी नहीं होती, क्योंकि यहाँ की जो भारत की आज कहे तो यहाँ लोक संख्या कहे तो कितनी है और समाज सेवक कहे तो कितने हैं, लेकिन समाज सेवा करते करते एक दिन ऐसा आना चाहिए, एक समर्थ हमारे एक संत हो चुके हैं, मरावे परी कीर्ति रूपे उड़ावे, समर्थ रामदास जी ने कहा है कि मरावे परी कीर्ति रूपे उड़ावे। जैसे कि मैं कहती हूँ कि जैसे हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इनका महापरिनिर्वाण दिन हुआ, निकल गए इस देश से निकल गए तो भी अपनी अमरता के वजह से आज हम सब उनका नाम लेते हैं और लेते रहेंगे, कई सालों से कई सदियां गुजर जाएंगी लेकिन उनका नाम चांद सूरज रहेगा, तब तक रहेगा। बाबा साहब ने इतना अच्छा एक कलम का एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिया है, सिंस यू हैव गॉट एन इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, व्यवसायी हो, बिल्डर हो, जो भी हो, आपका इंस्ट्रूमेंट बाबा साहब ने दिया है, कला का क्षेत्र एक पायदान आपके लिए खुली करके रखी है। सिंस यू आर नॉट मेंटर, यू शुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन डिलीवरिंग द नॉलेज एंड स्किल्स टू द पीपल फ्रॉम वेयर यू आर कम। यस्टरडे आल्सो आई वाज देयर, हम बाकडे में थे तो हम इधर आ गए, हमने ज्ञान प्राप्त किया, बाबा साहब के विचारों का चयन भजन किया, उसका मनन किया, चिंतन किया। संत गुरु रविदास जी, इस देश के सब संत महात्मा जितने भी परिवर्तनवादी हुए, शाहू, फुले, अंबेडकर, सबकी विचारधाराओं को इकट्ठा करके हमने एक सॉफ्टवेयर लेके समाज के पास जा रहे हैं तो समाज हमको उठा लेता है, कंधे पे उठा के। इतने उच्च विचार वाले बाबा साहब, मुझसे किसी ने पूछा कि जब आपने पिछले दिनों 2 तारीख को एक प्रोग्राम आया था ऑल इंडिया रेडियो पे, तो मुझसे उद्घोषक ने पूछा कि डॉक्टर साहब जब वो म्यूजियम से बाहर निकलते हैं तो मुद्राएं क्यों लगाई गई हैं, हस्त मुद्राएं। तो एक फिलोसफी होती है कि जिस जगह पर आप जाते हैं, जिस स्थान पर आप अपना कदम रखते हैं, उसकी एक फिलोसफी को कैरी करते हैं कि मैं कहाँ आया हूँ, और लेके एक विचार भी साथ जाते हैं कि मैं क्या लेके जा रहा हूं। तो अगर डॉक्टर अंबेडकर को समझना चाहते हैं तो सिर्फ वो दो चीजें बहुत जरूरी है जो समझ लेनी चाहिए, एक ध्यान और एक ज्ञान। मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान के भंडार है और ज्ञान को अर्जित करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। उस ध्यान को सिंबलाइज करने के लिए हमने वो मुद्राएं लगाई है कि आप जो डॉक्टर अंबेडकर की नॉलेज यहां से लेके जा रहे हैं उसको अपने ध्यान में रखिए। मगली संकट काली तिनाही तगमगली नाही तगमगली, क्या सावित्री माईला वंदन करू वंदन करू। झाला तो पालक सकल जनांचे, झाला तो पालक
हृदयांचे ही हो गुण मालक, हृदयांचे ही हो गुण मालक, रोमात रुजविले हो प्रिवरही वंदना, शिवराया भीमराया तुमा त्रिवरही वंदना। दिल्ली जैसे शहर में हो रहा है और आए तो आप इसमें, मैं तो बोलती कि एवरी सक्सेसफुल मैच है इस वक्त में ऐसे मतलब जाता है। आसाम में भी कई क्षेत्र में विज्ञान लोकेंद्र पाम जी आसाम शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आज हमारा बड़ा सौभाग्य कठिन रास्ते में मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा करते करते समय पत्रकारिता करते समय समय से कई संस्था से जुड़े और आज नागपुर के क्षेत्र से जुड़ते जुड़ते वहां पत्रकारिता करते करते उन्होंने समाज सेवा में भी कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है और समाज सेवा कार्यरत हो छोटी उम्र में संगीत शिक्षा देते देते उन्होंने कई लोगों को निकल जाती है। ऐसी ये दिल्ली शहर की मशहूरता है लेकिन इस मशहूरता में जो पहुंच गए जो पाया सो पाया जो नहीं आया वो हरियाणा की भूमि में जिस क्षेत्र में भगवान योगेश्वर कृष्ण भगवान ने भी मुझे करना नहीं है। मैं आरोग्य अधिकारी हूँ मुझे कुछ नहीं होगा मैं हर बार के ऊपर तो सेवा भावी भावना जो होती है वो दिल में पैदा करना नहीं पड़ता वो अपने आप पीछे से करना इधर 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 प्रचार और प्रसार किया और बच्चों को इसकी सहायता इसी का